जहाँ उस फसल को ताकतवर बनाना था, जहाँ अपने बच्चों को सर्दी और ठंड से बचाना था, आज केंद्र सरकार की गलत नीतियों की वजह से, उनके गलत फैसलों की वजह से जो दिल्ली के सराउंडिंग अलग अलग बॉर्डर्स के ऊपर अपने फूल से मासूम बच्चों को लेकर के बैठे, कैसे उस आंदोलन को कमज़ोर किया जाए, कैसे हरियाणा और पंजाब के लोगों में आपस में मतभेद पैदा किए जाएं। हम बॉर्डर पे नारा लगता है पंजाब हरियाणा की एकता का, छोटे और बड़े भाई का, और हमारी सरकार जो है उस छोटे और बड़े भाई में मतभेद पैदा करने के लिए एक दिन का उपवास करती है। ये उपवास नहीं, ये बकवास है। अगर सरकार को SYL की चिंता होती तो फिर SYL का फैसला तो 10 नवंबर 2016 को हरियाणा के हक में आ गया था, और फैसला आने के बाद 19 नवंबर को हमारे मुख्यमंत्री ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। उस बैठक में एक निर्णय हुआ था कि हम देश के राष्ट्रपति से मिलेंगे और देश के प्रधानमंत्री से मिलेंगे, और उसमें यह तय था कि हमने अपना पक्ष जो है राजनीति से ऊपर उठ करके हरियाणा के किसान को उसके हिस्से का पानी मिले, इसके लिए कोर्ट के फैसले को ध्यान में रख करके केंद्र की सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस फैसले को लागू करके और हरियाणा के किसान को उसके हिस्से का पानी दिलाओ। हम राष्ट्रपति से मिलने गए, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मिलने गए। हमने यहां तक भी कहा था कि मुख्यमंत्री जो फैसला लेगा हम उसके साथ होंगे, इसमें कोई राजनीति नहीं होगी। पंजाब की सरकार ने तो उस फैसले को मानने से इनकार कर दिया था, लेकिन हमने मुख्यमंत्री के साथ खड़े होकर के हरियाणा के लोगों को पानी मिले इसके लिए उसकी लीडरशिप में, उसकी अगुवाई में, यहां तक भी उनको फ्री एंड किया था कि जो फैसला जो निर्णय आप लेंगे हम आपके साथ रहेंगे। लेकिन हैरानी की बात है, हम राष्ट्रपति से तो जाकर के मिल करके आए, उनको तो हम अपना मेमोरेंडम भी दे करके आए, बर्बल उनसे बातचीत करके आए, लेकिन हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री को 6 साल हो गए। 2016 नवंबर को आज जो है 5 साल कंप्लीट होके महीना डेढ़ महीना ऊपर हो गया, देश के प्रधानमंत्री ने SYL के मामले पे मिलने का समय नहीं दिया। आज इनके मंत्री उपवास करते हैं, इनके MP उपवास पे बैठते हैं, मुख्यमंत्री उपवास करता है। उनसे पूछो कि आपने कोई एक चिट्ठी प्रदेश की सरकार की तरफ से जल संसाधन मंत्री को, एक चिट्ठी देश के प्रधानमंत्री को, केंद्र की सरकार को, आपके एक मेंबर पार्लियामेंट के, आपके इतने मिनिस्टर जो सेंटर में, उन्होंने कभी एक शब्द हरियाणा के हिस्से के पानी के लिए पार्लियामेंट में या प्रधानमंत्री के सामने इसकी आवाज़ उठाई, या कभी वो जा करके इस सिलसिले में मिले? ये केवल लोगों का ध्यान बांटना चाहते हैं, किसान को कमज़ोर करना चाहते हैं, आपसी विवाद बढ़ाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सोच हमेशा ऐसी रही है कि लोगों को आपस में लड़ा करके उनको किसी तरह से कमज़ोर कर लो, और कमज़ोर करके हर चीज़ को लिंगर ऑन करके कहीं अपना दाव खेल लो। अगर प्रधान अगर मुख्यमंत्री को पानी की चिंता होती तो फिर दादूपुर नलवी नहर जो है, जिसके ऊपर 350 करोड़ रुपये हरियाणा प्रदेश की सरकार का खर्च हो चुका था,
उस नहर को बंद करने की बजाय उस पे और पैसा खर्च करके हमारे 3 डिस्ट्रिक्ट को आत्मनिर्भर बना सकते थे। अम्बाला, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर तीनों डिस्ट्रिक्ट जो है, जहाँ आज नहरी पानी की सबसे बड़ी किल्लत है, वो तीनों के तीनों जिलों जो हैं टोटल नहर के पानी से, वहाँ पे खेती पकती, किसान को सस्ता पानी मिलता, किसान के खेत में उपज ज़्यादा होती, क्योंकि वो सारा पानी जो है नदी का पानी था, पहाड़ से आ रहा था। पहाड़ की ज़मीन का पानी जो है उसकी वैसे भी ताकत बहुत ज़्यादा होती है, जिस ज़मीन में वो पानी नहरी पानी लगता है उस पानी से ज़मीन की ताकत बढ़ती है, उसके खर्चे कम हो जाते हैं, पैदावार अच्छी होती है। लेकिन जानबूझ करके हरियाणा के प्रदेश को कैसे पानी से वंचित किया जाए, कैसे उसको बंजर किया जाए, कैसे उसकी ज़मीन को, ज़मीन से उसको बेदखल किया जाए, इस तरह के योजनाएं बना करके दादूपुर नलवी नहर बंद करी। SYL के बारे में कभी चिंता नहीं करी। अगर SYL के लिए किसी ने इस प्रदेश के अंदर सही मायने में चिंता करी तो जननायक चौधरी देवीलाल जी ने करी। सन 1987 में जब वो चीफ मिनिस्टर थे, उससे पहले उस नहर का निर्माण कार्य बंद हो गया था। उन्होंने नए सिरे से प्रयास किया था कि इस नहर का निर्माण हो और निर्माण होकर के हरियाणा को उसके हिस्से का पानी मिले। उसके बाद मामला कोर्ट में चला गया और कोर्ट में जाने के बाद इसके लिए अगर सबसे ज़्यादा प्रयास किए तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने किए। उनके प्रयास की वजह से 15 जनवरी 2002 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला हरियाणा के हक में कर दिया था और उसमें एक आदेश दिया था भी 1 साल में पंजाब की सरकार बनाए, अगर पंजाब की सरकार इसको पूरा नहीं करती तो केंद्र की सरकार की देखरेख में फिर से 1 साल और पंजाब की सरकार को दिया जाए, अगर फिर भी नहर नहीं बनती तो फिर उसके लिए आप कोई भी सेंटर की एजेंसी की जिम्मेवारी लगाएं जो इस नहर का निर्माण करके हरियाणा को उसके हिस्से का पानी दे। उसके बाद उस वक्त की जो पंजाब की गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की सरकार थी, कैप्टन अमरिंदर सिंह चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने एक रेजुलेशन विधानसभा में ला करके ऑल पार्टीज ने उस पर सिग्नेचर करके जितनी भी ट्रीटी वाटर से संबंधित थी, पानी से संबंधित थी, वो सारी के सारी उन्होंने मानने से इनकार कर दी थी और एक्ट बना दिया था कि हम इसको नहीं मानेंगे। वो मजबूर होकर के गवर्नर को जो है राष्ट्रपति के पास भेजना पड़ा और वो राष्ट्रपति के पास जाने के बाद राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के पास भेजा कि मुझे इस पर आप लीगल एडवाइस करें कि मुझे इस पर क्या फैसला करना चाहिए। और 10 नवंबर 2016 को फिर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला हमारे हक में कर दिया। उसके बाद जब हम इस पानी के लिए सरकार के सामने अपना पक्ष रख रहे थे, हम हरियाणा के लोगों के साथ सरकार जो अनदेखी कर रही थी उसको लेकर के सरकार को जहाँ बारी बारी से उनकी आत्मा को जोड़ने का काम कर रहे थे, मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। हमने सबसे पहले 15 नवंबर 2016 को राष्ट्रपति महोदय से SYL के बारे में चर्चा करी थी, उनसे जाकर के मिले थे। फिर 7 दिसंबर 2016 को प्रदेश के सभी विधायकों और खाप पंचायतों से SYL के निर्माण, उसके पानी को लेकर के उनसे सहयोग की अपील करी थी, जिसमें हमने हर पार्टी के विधायक, चाहे वो कांग्रेस का था, BJP का था, चाहे वो मेंबर पार्लियामेंट हमारा BJP का था, कांग्रेस का था, किसी भी पार्टी से था, उन सबसे हमने कहा था भी इसमें हमें एक मत होकर के प्रदेश के किसान के साथ न्याय, उसको पानी मिले उसके लिए लड़ना चाहिए। उसके बाद 23 फरवरी 2017 को हजारों प्रदेश के किसानों को साथ लेकर के हम शंभू के बॉर्डर पे गए थे पंजाब में, जहाँ से उस नहर का बंद करने का काम पंजाब की सरकार ने किया था उसकी खुदाई के लिए। तब हमें वहाँ गिरफ्तार किया और हमें जेल में बंद रखा। जेल में बंद नहीं रखा बल्कि हमारे साथ इस तरह का सलूक किया गया जैसे कोई हम आतंकवादी थे। हमें एक दूसरे से मिलने नहीं दिया जाता था और जहाँ मिलने नहीं दिया जाता था वहीं खाना भी हमें जो है पेट भर भोजन नहीं मिलता था किसी को। उसके बाद 21 फरवरी 2017 को
जो देश के तत्कालीन गृह मंत्री थे राजनाथ सिंह, उस वक्त के प्रधानमंत्री ने कहा था भी आप उनसे मीटिंग करो, हमने उनके सामने जाकर के भी अपनी बात रखी थी, बात नहीं रखी, मुख्यमंत्री तो उस बात को घुमा फिरा रहा था। मैंने वहाँ कहा था कि आपका सेंटर का जो है जिस वकील की जिम्मेवारी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में लगी थी, वो भी आपका यहीं पे मौजूद है, आप उससे पूछो कि इसमें अब कोई कानूनन अड़चन है जिसकी वजह से स्नेर के निर्माण में देरी हो रही है। राजनाथ सिंह जी ने जब उनसे पूछा तो उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया था, साफ कह दिया था कि जी कोई कानूनन अड़चन नहीं है, अगर स्नेर के निर्माण में कहीं कोई देरी है तो वो केंद्र की सरकार की वजह से है, केंद्र की सरकार चाहे तो कल ही इस पर काम शुरू कर सकती है। लेकिन उसके बावजूद इस चीज़ को लटका दिया गया। फिर 16 मार्च 2017 को प्रधानमंत्री से हमने दिल्ली के अंदर हजारों लोगों को साथ लेकर के गए थे और दिल्ली में जाकर के फिर प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंप करके आए थे कि हमें हमारा हक दिलवाया जाए। उसके बाद देश के प्रधानमंत्री ने गडकरी से मिलने के लिए हमें चिट्ठी लिखी कि आप उनसे मिलो। हमने गडकरी के सामने भी अपना पक्ष रखा और गडकरी साहब ने उस वक़्त में यहाँ तक भी कहा कि जितना पैसा केंद्र की सरकार की तरफ से पंजाब को देने की बात आएगी, मैं पैसा देने में भी नहीं हिचकिचाऊँगा, उतना पैसा उनको देंगे और इस नहर का निर्माण कराएंगे। लेकिन वो आज तक वैसा का वैसा अधूरा है। उसके बाद साथियों 7 अप्रैल 2017 से 30 अप्रैल 2017 तक हमने जंतर मंतर पे लगातार धरने दिए और वहाँ से भी हमारे टेंट रात को उखाड़ करके सरकार ने टेंट उखाड़ करके वहाँ से हमारे लोगों को हटाने का काम किया। उसके बाद फिर लगातार हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर 1 मई से लेकर के 3 जुलाई 2017 तक एक एक विधानसभा के अंदर पार्टी के कार्यकर्ताओं को बैठा करके धरने पे और ज्ञापन सौंपने का काम किया देश के प्रधानमंत्री के नाम। उसके बाद 10 जुलाई को फिर हमने हरियाणा की सारी सीमाओं को सील करके पंजाब को इस बात का एहसास कराया था कि अगर हमें हमारे हिस्से का पानी नहीं दोगे तो हम आपको हरियाणा में घुसने नहीं देंगे, और पूरा प्रदेश को जाम रखा था। उसके बाद 30 जनवरी 2018 को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को भी एसवाईएल के निर्माण के लिए हमने एक पत्र लिखा, उसका भी कोई जवाब नहीं आया। फिर 5 फरवरी 2018 को जल संसाधन मंत्री गडकरी से एसवाईएल के मामले में मिले, वहाँ भी केवल आश्वासन मिला लेकिन किया कुछ नहीं। इस तरह से हमने लगातार फिर जेल भरो आंदोलन शुरू कर दिया था। जेल भरो आंदोलन जो हमने हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर जाकर के हजारों हजारों लोगों को एक एक जिले में जेल भरो आंदोलन में शामिल करके कहीं 20,000 की, कहीं 30,000 की, कहीं 50,000 की गिरफ्तारियां दी। लेकिन सरकार ने उस वक्त कभी उपवास नहीं किया, कभी इस सरकार ने नहीं सोचा कि हरियाणा के प्रदेश के किसान के साथ कोई अन्याय हो रहा है और उसको कैसे न्याय मिले, इसके लिए तुम्हारी क्या जिम्मेवारी है। अब नाटंक करते हैं, नौटंकी करते हैं, अब उपवास के नाम के ऊपर अखबारों में खबर छपवाते हैं किसी तरीके से हरियाणा और पंजाब के किसान में मतभेद पैदा करना चाहते हैं। जिस किस्म के ओछे हथकंडे इन्होंने अपनाए हैं उससे ये अपने इस योजना में कामयाब नहीं होंगे, किसान और ज़्यादा मजबूत होकर के अब आने वाले समय में केंद्र की सरकार को इस बात के लिए मजबूर करेगा, और बड़ी संख्या में किसान वहाँ जाएंगे और जाकर के केंद्र की सरकार को मजबूर करेंगे और हर हालत में इस किसान दिवस पे कल शपथ लेंगे कि हम तब तक इस आंदोलन को इसी तरह जारी रखेंगे जब तक किसान के साथ न्याय नहीं हो जाएगा, तीनों कानून वापस नहीं हो जाएंगे। मैं अपनी पार्टी के सभी साथियों को आपके माध्यम से फिर एक बारी कहना चाहूँगा कि अगर आप चौधरी देवीलाल की नीतियों में विश्वास और भरोसा रखते हो तो इस किसान आंदोलन को और मजबूत करने के लिए आप हर घर से एक व्यक्ति की अपने की जिम्मेवारी लगाओ, जो जा करके उस ना केवल आंदोलन को अपना समर्थन